हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे और यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और तो वो प्रोडक्ट है ये है न्यूड का गोट मिल्क प्रीमियम मॉइस्चराइजिंग लोशन, और ये प्रोडक्ट है न्यूड का गोट मिल्क प्रीमियम फेस वॉश। ये दोनों भी प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं ना कि मैंने सोचा चलो आपके साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ। करंटली मैं इसे यूज कर रही हूँ और इसका रिजल्ट मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज्यादा स्किन सॉफ्ट हो गई है इसके यूज करने से। आप सभी को पता है मिल्क हमारे स्किन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि इसमें गोट मिल्क है, तो गोट मिल्क तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में कच्चा दूध लगाते थे फेस पे, तो उससे आपकी स्किन निखर जाती थी। मतलब आपकी स्किन पे ग्लो आता था, आपके स्किन पे रिंकल्स नहीं आते थे और आपकी स्किन चमकती थी और आपकी स्किन गोरी हो जाती थी। कहने का मतलब है सन टैन हट जाता था। इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं ना गोट मिल्क के स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। और हाँ, इससे पहले भी मैंने न्यूड के ही गोट मिल्क शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, वो देख लेना, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये दोनों भी मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगे ना, इसको यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन हो गई है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इन दोनों प्रोडक्ट में AHA है। AHA मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड, और इसका जो सेकंड नेम है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ये क्या काम करता है आपकी स्किन के लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी स्किन को ये एक्सफोलिएट करता है, उसके बाद रिंकल्स को कम करता है, उसके बाद आपके सन टैन को हटाता है, आपको गोरा बना देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है, आपकी स्किन को स्मूथ बना देता है, आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन है उसको भी हटाता है। उसके बाद ये एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है, उसके बाद आपके चेहरे पे आने वाले ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सूजन और चेहरे पे होने वाले ब्रेकआउट्स को भी रोकता है। इन दोनों प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी स्किन एक्सफोलिएट तो होती ही है, उसके साथ साथ आपकी स्किन प्लम हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, पिंपल्स को भी ये कम करता है। और इसको यूज करने के बाद आप एक बात देखोगे कि आपकी स्किन स्मूथ तो हो ही गई है, बट आपकी स्किन पहले से ज्यादा लाइट हो गई है, ब्राइट हो गई है। मतलब आपका जो कलर है वो फेयर दिखने लगता है इसको यूज करने के बाद। सबसे पहले आपको यूज करना है फेस वॉश और उसके बाद आपको लगाना है ये मॉइस्चराइजिंग लोशन। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है ये मॉइस्चराइजिंग लोशन, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और आपकी स्किन चिपचिपी नहीं लगती है। अभी इन दिनों मतलब जैसे कि समर सीजन चल रहा है, समर सीजन में ऐसे ही मॉइस्चराइजर की हमें जरूरत होती है कि जो चिपचिपा ना करे, मतलब ऑयल क्रीज ना करे और आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये मॉइस्चराइजिंग लोशन ऐसा ही है, आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज रखता है। तो पहले आपको फेस वॉश कैसे यूज करना है वो आपको बता देती हूँ। इसे लॉक होता है, मतलब यहाँ पर अगर आप ये करोगे तो ये कितना भी आप इसे दबाओगे तो भी ये लॉक ओपन नहीं होने वाला है। मतलब इसकी ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है। और उसके बाद आप इसे इस तरह से ऐसे करोगे, उसके बाद आप पंप दबाओगे तो इस तरह से आपके सामने प्रोडक्ट दिखेगा। और ये प्रोडक्ट बिल्कुल दूध जैसा दिखता है, मतलब व्हाइट कलर का है, ऐसे थोड़ा सा दूध का जो कलर होता है ना, दूधिया कलर, उस टाइप का कलर है। दूध से थोड़ा सा ठीक है, बट आपको ऐसे लगेगा कि आप दूध ही अप्लाई कर रहे हो, इतना ज्यादा स्मूथ लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। और इसे आपको अप्लाई करना है आपके फेस पे और थोड़ी देर ऐसे मसाज करके जल्दी से फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको यूज करना है ये वाला प्रोडक्ट, मतलब मॉइस्चराइजिंग लोशन आपको यूज करना है उसके बाद। और इसकी भी पैकेजिंग सेम उसी की तरह दी है, इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में ये प्रोडक्ट। तो इसी वजह से ये दोनों भी प्रोडक्ट मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगे। इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी दी हुई है। मतलब इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है, इस तरह के हाई क्वालिटी के कार्डबोर्ड बॉक्स में। और उसके बाद इसे आप ओपन करोगे, इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये पाउच। और ये जो पाउच है उसका कपड़ा ऐसा है, मतलब पैराशूट वाला कपड़ा है उसका। और इसके अंदर आप अगर ये प्रोडक्ट डालते हो और जिप लॉक कर देते हो तो ये प्रोडक्ट लीक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और अगर लीक हो भी गया अंदर तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप इसे आपके पर्स में कैरी कर रहे हो या आपके बैग में कैरी कर रहे हो तो इसकी वजह से आपका सामान खराब नहीं होगा। बहुत ज्यादा अच्छी पैकेजिंग दी है इन्होंने, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग दी है और बहुत ज्यादा ध्यान रखा है सारी चीजों का। मतलब पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, उसके बाद आउटर पैकेजिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा है इन्होंने। और प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, सच बताओ तो ये दोनों भी प्रोडक्ट मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगे। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको भी बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं और आप नेक्स्ट टाइम भी मंगाने वाले हो, इस प्रोडक्ट के आप फैन बन जाओगे, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। मुझे तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे हैं। मैं करंटली इसे यूज कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करना तो बनता ही है। आई होप गाइज आपके लिए न्यूड के दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।